शिवपुरी जिले के नलवर की धुलाई रोड पर संचालित बालाजी पैथोलॉजी और कन्या स्कूल के सामने संचालित भुजबल कुशवाहा के क्लिनिक को स्वास्थ्य विभाग के दल ने सील कर दिया। इस दौरान स्वास्थ्य विभाग की टीम को 16 साल का लड़का लैब संचालित करता हुआ मिला। वहीं नलवर में कार्यवाही की भनक लगते ही कई लोग क्लिनिक को बंद कर भागते हुए नजर आए। मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर संजय विशेश्वर ने बताया कि कलेक्टर रविन्द्र कुमार चौधरी को जन सुनवाई के दौरान नलवर निवासी संतोष ने शिकायत दर्ज कराते हुए बताया कि नलवर में कन्या स्कूल के सामने संचालित डॉक्टर भुजबल कुशवाहा के क्लिनिक पर उसने उपचार कराया था, जिस पर उसे अन्य स्वास्थ्य समस्या हो गई। शिकायत के बाद जिले के मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी ने क्लिनिकों की जांच की। जांच में भुजबल कुशवाहा के पास क्लिनिक संचालित करने के दस्तावेज नहीं मिले। साथ ही बीमार मरीजों के खून की जाँच करने वाली बालाजी पैथोलॉजी लैब पर दस्तावेजों की जाँच की गई तो वहाँ भी दस्तावेज नहीं मिले। टीम ने दोनों दुकानों को मौके पर सील कर कार्रवाई की। नरवर के कन्याशाला स्कूल के सामने भुजबल कुशवाहा की दुकान है, तो उस पर मैं दवा लेने गया था। मेरे थोड़ा फीवर था, उसकी दवा लेने गया था, तो मैं उन्होंने मेरे कमर में दो इंजेक्शन मिला के मेरी कमर में लगा दिए और दो तीन खुराक उन्होंने मुझे दे दी। उसके बाद मैं अपने घर आ गया। घर आने के बाद मेरे एक डेढ़ घंटे के बाद मेरी जान का पूरा मांस फट गया था जोर जोर से। हाँ, फिर तो मैं उसके बाद उसके पास पहुंचा तो मैंने कहा डॉक्टर साहब मेरे यहाँ देखो जी क्या हो रहा है। तो बोले कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, चलो सरकारी हॉस्पिटल चलते हैं, वहां पे इलाज करवाते हैं तुम्हारा। इंजेक्शन से गड़बड़ तो गलती तो हो गई मुझसे, ऐसे तुम कोई दिक्कत नहीं, मैं तुम्हारा इलाज कराऊंगा और तुम चलो तुम वहां पहुंचे। हम तो वो डॉक्टर साहब बोले कि आवेदन बनवाओ, मुझे हाथ जोड़ के वहां खड़े हो गए। तो मैं बोल रहा हूँ चलो साहब कोई दिक्कत नहीं है, जो बोल रहे हैं इलाज करवाई इलाज करवा लूँ, कोई दिक्कत नहीं। ये जानकारी प्राप्त हुई है कि शिवपुरी सीएमएचओ साहब द्वारा नरवर में कोई स्वास्थ्य विभाग की टीम आई थी और एक किसी झोला छाप अवैध फर्जी क्लिनिक जो संचालित हो रहा था, डॉक्टर भुजबल कुशवाहा नाम बता रहे हैं उसका, और दुहाई पर कोई बालाजी पैथोलॉजी है उसको सील्ड किया है। तो शिवपुरी सीएमएचओ साहब का धन्यवाद देना चाहूँगा, उन्होंने जो अच्छी कार्रवाई की है, और उनसे इतना निवेदन और करना चाहूँगा कि सर जिसकी शिकायत हुई है उस टीम ने आकर उसको पैथोलॉजी को और क्लिनिक को संचालित जो हो रही थी अवैध तरीके उसको सील्ड कर दिया। लेकिन मेरी जहाँ तक जानकारी में एक मैं जनप्रतिनिधि हूँ कि नरवर में कम से कम 3 दर्जन अवैध फर्जी क्लिनिक झोला छाप डॉक्टरों को संचालित हो रहे हैं। पूर्व में भी ऐसी सूचनाएं मिली है कि कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, और जितनी भी पैथोलॉजी है उनकी जो डिग्री रहती है DMLT की BMLT की उसके बिना अगर कोई कार्य कर रहा है तो सबकी जांच होकर जन सुनवाई में उसने शिकायत की थी, तो CMHO सर के द्वारा जिला स्तरीय टीम गठित की और उज्ज्वल कुशवाहा बताए गए थे कि वो अपनी क्लिनिक का संचालन करते हैं, तो उन किसी को इंजेक्शन लगाया था उसको कुछ पैरालिसिस या कुछ हुआ है, तो जिसका मेडिकल परीक्षण भी हो रहा है अभी जिला स्तर पर, और यहाँ हमारी टीम बना के हमें भेजा तो हमने उनकी क्लिनिक पे उनके दस्तावेज देखे तो ना तो डिग्री थी ना उन पे कोई रजिस्ट्रेशन था, तो उनकी क्लिनिक को सील कर दिया है। इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ शिवपुरी से संवाददाता कमर खान हमारे साथ जुड़ गए हैं। कमर, नलवर में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है और साथ ही आपको ये भी बताएं कि लैब और क्लिनिक को सील कर दिया गया है, तो ये पूरा मामला क्या है इसको लेकर जानकारी चाहेंगे। आकांक्षा, ये शिवपुरी जिले के नलवर में काफी लंबे समय से दुकानें संचालित क्लिनिक क्या कहा जाए, जो दुकानें खोल खोल के मरीजों का बीमार मरीजों का लोग इलाज कर रहे हैं और अपने आप को डॉक्टर कहते हैं, जब एक व्यक्ति है एक पीड़ित जब उसको एक भुजबल डॉक्टर के द्वारा जो अपने आप को डॉक्टर कहता है जी, उसके द्वारा जब इंजेक्शन लगाया गया, वो बुखार की दवा लेने गया था, उसको जब इंजेक्शन लगाया गया तो वो इंजेक्शन उसको रिएक्शन कर गया और कहीं ना कहीं उसके एक पाँव अभी भी ये कंडीशन है कि वो ढंग से चल नहीं पा रहा है जी। जब इसके बाद उसने ये सारे मामले को शिवपुरी कलेक्टर को शिकायत की, इसके बाद में जो है शिवपुरी कलेक्टर ने जो स्वास्थ्य विभाग की टीम है जिले में उनसे चर्चा की, जब कहीं जाके शिवपुरी जिले से टीम आई हुई थी और उन्होंने कल यहाँ पे औचक एकदम छापामार कार्रवाई नरवर के अंदर की है,
जिसमें कई दुकानदार बंद करके अपनी दुकानें चले गए, और एक पैथोलॉजी और एक जो अवैध तरीके से दुकान संचालित थी, इलाज करते थे, वो उनकी दुकान को सील कर दिया गया। वहीं कमर जिस तरीके से देखे तो स्वास्थ्य का मुद्दा बहुत बड़ा होता है, बहुत अहम माना जाता है, तो जिस तरीके से लोगों को भी काफी समस्याओं का सामना करना पड़ा है, क्या लगता है इस पर और क्या अहम एक्शन स्वास्थ्य विभाग की ओर से लिया जाएगा? स्वास्थ्य को लेकर जो है लोग काफी चिंतित रहते हैं, और आजकल जो बीमारी फैल रही है तो उसको लेकर भी जो है लोगों में अफरा तफरी मची रहती है। कहीं ना कहीं सामुदायिक जो स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ पे भी थोड़ी सी सुविधाएं समय पे उपलब्ध नहीं हो पाती है, तो कहीं ना कहीं लोग जो है अपनी बीमारी का इलाज कराने ऐसे लोगों के पास पहुंचते हैं जो दुकान खोल के बैठे हैं और अपने आप को डॉक्टर कहते हैं, लेकिन हकीकत सच ये है कि ना उनके पास कोई डिग्री है, ना ही उनके उन्होंने कोई पढ़ाई लिखाई की है डॉक्टरी से लेके के स्वास्थ्य को लेकर, और बैठकर जो है अपना इलाज कर रहे हैं मरीजों का, जिसमें कई ऐसे हादसे भी हो चुके हैं कि कई लोगों की जान भी जो है बीमार जो मरीज है अपना इलाज कराने के दौरान अपनी जान भी गंवा चुके हैं। ठीक है कमर खान, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हमारे साथ इस खबर पर साझा करने के लिए। तो जिस तरीके से आपने देखा कि स्वास्थ्य विभाग की ये बड़ी कार्रवाई नरवर में देखने को मिली है, जहां पर लैब और क्लिनिक को सील किया गया है। साथ ही आपको बता दें कि इस तरीके के क्लिनिक पर स्वास्थ्य विभाग लगातार अलर्ट मोड में नजर आ रहा है और बड़ी कार्रवाई करते हुए भी देखा जा सकता है।